गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 5 बजे और मेरा पुत्र जग गया है। मेरा पुत्र कैसे जग गया है? मेरा पुत्र कैसे जग गया 5 बजे? आज मेरा पुत्र जग गया, 5 बज रहा है अभी। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का ईशान के ब्लॉग में स्वागत है। लेकिन अभी दिख नहीं रहा होगा कुछ, क्योंकि हम लोग बालकनी में हैं और लाइट ऑफ है। हाँ, कवा जरूर होगा। गोद नहीं बेटा, पैर से नीचे उतरो। कितना अच्छा अभी का मौसम लगता है ना बेटा। सब तरफ ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों का आवाज़। वाह, हवा तो बहुत ही तेज है। शॉल ओढ़ने का मन करने लगा, ठंड लगने लगा। चलो 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 अंदर। और ये है मेरा पुत्र। पुत्र जी जाइए, लेट जाइए, ये टॉयलेट वॉयलेट कीजिएगा तो कर लीजिए। वाह वाह, यहाँ नहीं, यहाँ मच्छर लगेगा, मम्मी एक्सरसाइज करेगी। क्या करोगे तो अभी हो जाएंगे तो जाना, लेट जाओ अभी। ठीक है बेटा, अभी अंधेरा है ना, अभी जाओ नहीं। इतना सुबह सुबह उठने का जरूरत क्या था बाबू? 5 बजे 6 बजे उठते जाते। छोटी दादी या दादा अभी जा रहे हैं ईशान, और ईशान अभी मच्छरदानी में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी मच्छर लगने लगा है। इतना पंखा का चलाइए तेज पे, तो अंदर आ जाएं। अंदर नहीं आएंगे हम भी, पानी के बनाओ ना। नहीं, अभी हम पानी अपना लाने जा रहे हैं। दादी तिरछा काहे लेटी हैं? बिना तकिया के। भैया भी यहीं रहे होंगे। अभी देखे दादी या दादा निकल रहे हैं। हम अपना यहाँ गर्म पानी किए हैं, गर्म पानी में हम पियेंगे शहद और नींबू। हमको मोटी मम्मी कहते रहता है। देखते हैं हम भी कुछ वेट कम होता है कि नहीं। हो गया, दादी बोल दी कि भैया का आज एग्जाम है तो नहीं जाएंगे, उनका प्री टेस्ट चल रहा है, 10th में है। तो ईशान रोने लगा। अरे रो क्यों रहा है बाबू? तुम 5 बजे उठा है, भैया नहीं जाएंगे तो मम्मी चलेगी, इसमें रो क्यों रहे हो? नहीं रो नहीं, क्या भैया आ गए देखो तो। प्रेम, दादी बोल दी कि भैया का एग्जाम है नहीं जाएंगे तो रो रहा है। देखिए तो हाल है मेरा बच्चा, सुबह सुबह इतना आंसू निकाल दिया, इतना आंसू निकाल दिया सुबह सुबह। हम लेने की परीक्षा बता ना जाए ही तो कपड़ा हमारे मम्मी धो दी है, वो वाला दूसरा अभी ढूंढना तो नहीं, सच्ची पानी पीनिया अभी। ये जानते हैं बेटा 5 बजे उठ गया, आंसू भी पी जाएगा। 5 बजे उठ गया है जाने के लिए। ओकरा पहिले तू गइलू है वही घरी से उठ के कहा था कि मम्मी, हम कहनी मम्मी तो गइल कसरत करी पड़ी, तो कहा था का अरे सेम कलर हो गया दोनों भाई का। और हम लोग मच्छरदानी के अंदर कैसे लग रहे हैं? एकदम लग रहा है कैंप में बैठे हुए हैं। लग रहा है कैंप में बैठे हुए हैं। दादी का पूरा नहीं लेंगे क्योंकि दादी तो आधा अधूरा कपड़ा में। पूरा अंदर आओ भैया, दो दो टी शर्ट पहने हैं। हवा बहुत चल रहा है बेटा, आपको भी कुछ पहनना पड़े। एक शर्ट से कोई अंदर गंजी पहनाए हैं, आएगो शर्ट बस। तो सुबह हो गया है अभी बड़े पापा का गाड़ी बज रहा था, लगता है कि ऑटो ऑटो बुलाने गए थे शायद। संजू भी और बड़े पापा ही जा रहे तो। हाँ। थी। चलो बेटा आओ, कपड़ा पहना दे कुछ बेटा, हवा बहुत ही ठंड लगेगा। रुक जाओ ना, बच्चा खुश हो गया ना, लाइट हम जाओ। बाय बेटा, कितना हैप्पी है हैं? क्योंकि स्कूल नहीं जाना है, टहलने जाना है। स्कूल जाना तो उठाते उठाते भी नहीं उठता है। 10 बार उठाइए फिर भी तो बहुत अच्छा हो गया, साफ हो गया पूरा। निकला, बाय 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 बेटा। कैसे कर रही है गाय? कोई सान रोटी खिलाता है तो गाय यहाँ पर आकर रुकी हुई है। ए लड़का को बोले कि बेटा 5 बजे उठे हो, थोड़ा आराम कर लो, दूध का चौकोच खा लिया है, लेकिन ये ठंडा में यहाँ पे खड़ा होके खेल रहा है ये सब भी खेल के।
तो आपको पार्क में कैसा लगा आज, मतलब घूमने में, मॉर्निंग वॉक करने में कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा। और एक दादाजी मिले थे जो ईशान से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ईशान बात ही नहीं कर रहा था। भैया बताएं कि जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे थे हमको आंसर करना पड़ा, ईशान कुछ बोलता ही नहीं है। अब मेरा तोड़ मत देना। ईशान तब से लटक के गाय को देख रहा है। ईशान को जानवर बहुत अच्छा लगता है, जानवर, पेड़ पौधा, सब चीज। हम ही है माँ। इतनी मोटी। उतनी मोटी कान ऐसे ऐसे काहे कर रही है माँ? मच्छर मक्खी हटाने के लिए उन लोग का वही ना है बेटा, हाथ पूंछ से या कान से इधर उधर करके हिला के हटाती है। ठीक है, आप देखिए मम्मी जा रही है नाश्ता बनाने। दादी एक घंटे से लगी हुई हैं आयरन करने में, इतना सारा कपड़ा मम्मी का और बाबू का कपड़ा है सब, दादी आयरन कर रही हैं। अब तो ये रखना ही पड़ेगा, फुल शर्ट फुल पैंट ना, फुल शर्ट फुल पैंट तो अब रखा ही जाएगा। अब तो खुलेगा तो हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के स्कूल जाने का दिन आ जाएगा। अब एसी में ट्यूबलाइट जला के पीठ में नाइसी लगाने का दिन आ गया। बाप रे बाप, अभी से ही लड़का के एसी याद आ रहा है माँ। अभी दो महीना एसी नहीं चलेगा, कम से कम एक महीना एसी नहीं चलेगा। दो पर एक पर पंखा तो चल सकता है, लेकिन अभी इतना ठंडा सुबह में लगता है, रात में भी ठंडा लगा। हम रात में यहाँ बैठे हुए थे ना, पढ़ रहे थे, तो 11 बजते इतना ठंडा लगने लगा कि हम पंखा बंद कर दिए, दरवाजा भी बंद कर लिए। हवा आ रहा था तो इतना ठंडा लग रहा था। मैं इधर देखो ना माँ। और हम लोग सबका कपड़ा माँ आयरन करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शर्ट नहीं पहनोगे? आ जाओ ना, बैक फ्लिप मत मारो। चलो सो। और आज ईशान 5 बजे उठा है, तो अभी तो 9:45 हो रहा है। और ईशान नहा लिया है, अब पीटेंगे। बोल रहे हैं कि ईशान थोड़ा पढ़ाई कर लो। अब ऐसा थोड़ा कि फाइनल एग्जाम हो गया तो पढ़ाई सब बंद हो गया, पढ़ाई तो करते रहना चाहिए। टी शर्ट पहना, फुल शर्ट पहना दे रहे क्योंकि हवा बहुत चल रहा है। होली तक तो ऐसा मौसम रहेगा ही, दोपहर में गर्मी लगता है, फिर भी चलो पहन लो। अगर गर्मी लगेगा तो बाद में खोल देना, नहाए हो तो। अभी हम लगा दे रहे हैं ना, खुद करने वाला काम तो खुद से करते नहीं हो। और मेरा बेटा अभी पढ़ाई करेगा है ना, इसको जमाई आ रहा है। चार जमाई आ गया इसको, चार जमाई, मतलब कि मम्मी बोल दो कि बेटा सो जाओ, हमको नींद आ रहा है। चलो उठो उठो उठो, काम करें, उठो उठो। तुम लगता ना है कि देह में जान प्राण नहीं है ना, इधर घूमते रहते हो उधर गिरते रहते हो। टाइट रखो, अभी ही हाल है, जमाई पे जमाई ले रहा है, दिखावा वाला जमाई है, सिर्फ दिखावा वाला जमाई, पहले वाला जमाई। और अगर अभी डोरेमोन चलने लगेगा, डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क चलने लगेगा, तो फिर कार्टून सारा नींद गायब हो जाएगा। नहीं, हमको कार्टून नेटवर्क पर नहीं है, प्रचार आने पर देखते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ईशान बहुत ही अच्छा लड़का है। और ईशान जमाई काम कर रहा है, लेकिन ईशान बहुत ही अच्छा लड़का है। और मेरा बेटा मम्मी का कहना मानेगा, और अभी टैब लगाएगा, और उसमें जो बाकी वीडियो जो बचा हुआ है, मैथ का, इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, बहुत सारा उसमें वीडियो बचा हुआ है जो ईशान नहीं पढ़ा है। उसका जो बुक आया है बायजूस का, वो बनाया नहीं है, तो ईशान उसको कंप्लीट करेगा। करेगा ना बाबू? नो आंसर। ईशान कीजिएगा ना, बोलो। अभी तो इसको भूख लगेगा, क्योंकि जब तक ही पराठा और भिंडी नहीं खाता है तो इसके पेट में, इसका पेट का चूहा कूदते रहता है। ईशान पेट का चूहा कूद रहा है, पराठा मांग रहा है। अभी नहीं मांग रहा है,
चलो तो हम जा रहे हैं नहाने, नहा कर आएंगे तो बना देंगे ठीक है। सच में इतना मोटिवेट इसको करते हैं लेकिन फिर भी लड़का मानता नहीं है कि बेटा थोड़ा पढ़ भी लो। छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि हम दिन भर आराम करें, खेलना भी 24 घंटा में तो मान लो 10 घंटा तुम सोते ही हो, बच्चे हो तो हम भी छोड़ देते हैं, दिन रात मिलाकर 10 घंटा तो तुमको सोना ही है, लेकिन उसके अलावा जो 14 घंटा बचता है तो क्या 14 घंटा में तुम 1-2 घंटा भी पढ़ नहीं सकते हो? पढ़ सकते। हाँ माँ चला दीजिए आ रहे हैं, पढ़ सकते हैं तो क्या इतना मम्मी बोलेगी तब जाके तुमको लगता है कि मम्मी इतना उम्र हो गया फिर भी इतना पढ़ती है? तुमसे पहले उठे हैं ना हम, इतना सारा काम भी किए हैं, पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं समझते हो कि हम भी पढ़ें। और मम्मी कुछ नहीं अब बोलेगी? पढ़ो, गेम मत खेलने लगना, अब मूवी मत देखने लगना, उसका जो वीडियो है पढ़ाई वाला जो वीडियो है वो देखो और जो बुक है वो बनाओ लाकर। बुक की होगा साइंस वाला बाकी है ना, साइंस वाला लाके बनाओ, उसका वीडियो देखो और उसका चैप्टर बनाओ, सॉल्व करो। हटो, इतना मोटिवेट करने के बाद जा रहा है धीरे 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 झूमते झूमते डांस करते करते जा रहा है, देख रहा है कि मम्मी क्या बोल रही है। हम नहा के निकल गए, देखते हैं ईशान क्या कर रहा है। आवाज तो आ रहा है यानी वो अभी तक पढ़ रहा है। वाह मेरा बच्चा, मेरा बाबू अभी तक पढ़ रहा है। उतना इधर से पढ़े गेम नहीं खेले, उतना इधर से पढ़े गेम नहीं खेले हैं। तो 11 बज गया बेटा, भूख भी लगा होगा ना बाबू को। गेम खेलने का मन है कि पहले खाइएगा, पहले गेम खेलोगे तो ये वाला बना लो, ये वाला बना लो फिर थोड़ा सा ठीक है, ये वाला बना। यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, बेड का फोटो ले रहे हो क्या? पहले आप अब ये क्या, कहाँ गया? मम्मी का फोटो लेने हम है तो लग रहा है खाली नेगेटिव निशान पकड़े नहीं है, छोड़ो मत गिर जाएगा। जाता है ना किसी चीज के पीछे तो एकदम पड़ ही जाता है हाथ धोके, हाथ धोकर रिन साबुन से कि सर्फ एक्सेल से, किससे हाथ धोकर पड़ जाता है पीछे? मिस्टर मैजिक से? देख लो ना माँ, कैसल कैसल में कैसे खेला जाता है? बस यही देख लो ना माँ, माई देख लो ना माँ, अचानक डर जाए। क्या मेरा फोटो लिया है? अरे बाप ये तो भूतनी है बेटा, ये हम हैं। हाँ। ये तो भूतनी का लग रहा है। आराम कर लो, अभी पराठा खाया है, थोड़ा सा लेट जाओ, लेट उसके बाद मेरा भी मन कर रहा है थोड़ा सा लेटेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे तो जाएंगे पढ़ने। मन थक जाता है सुबह से उठे उठे, लेट के टीवी देखे माँ। पहले ये सब तो हटा के रखो बेटा, ठीक है? सारे चीज को अपने जगह पे रख दो ताकि जब समय पे ढूंढो तो मिल जाए। पहले इसको आप रखो माँ। हम जानते हैं तुम रखो, हमको पता है आप रखिए। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था चावल बनाने का, लेकिन आप चावल खाने के बाद ना पेट एकदम भारी हो जाता है, नींद आने लगता है आपको। लेकिन अभी सोना नहीं है, पढ़ना जरूरी है बुबामा। तो इसीलिए ईशान भी आज रोटी खाएगा, लेकिन ईशान दोपहर में चावल ही खाना चाहता है, बोले कोई बात नहीं 1-2 दिन तो खा ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और फिर मैं सोऊंगा, फिर शाम में उठूंगा और फिर मैं आपसे कल मिलूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज। अब हम लोग मिलेंगे कल के ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा डिंग डिंग।